हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, आप सबका स्वागत है जीडी वेफ के नए वीडियो में। मेरा नाम है फ्रैंकलिन और गाइस यार अभी मैं अपनी बाइक लेके मस्त यार यहाँ पे घूमने निकला हूँ। अपने संडी चलाने का मजा अलग ही है। अरे बचाओ मेरे को, ये शेर मेरे को खा लेंगे। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है? अरे मेरे को इसको बचाना पड़ेगा। अभी फटाफट से इसको गोली मार देता हूँ। एक शेर को मारा, दूसरे शेर को भी मार दिया। अरे अंकल टेंशन मत लो, मैं आ गया। और यहाँ पे तो बहुत सारे जनों को शेर खा गए। अरे अंकल आप ठीक तो ना? अरे हाँ भैया भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। ये मेरे सारे बॉडीगार्ड्स को खा गए थे, मैं बच गया यार। बॉडीगार्ड्स? आपके बॉडीगार्ड से? अरे हाँ भैया, मैं हूँ प्रेसिडेंट लॉस सेंटोस का। आपसे मिलके अच्छा लगा, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। क्या आप लॉस सेंटोस के प्रेसिडेंट हो? अरे हाँ मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। क्या तुम मुझे प्रेसिडेंट हाउस छोड़ दोगे? मेरी दोनों गाड़ियाँ खराब हो चुकी है। अरे हाँ बैठो बैठो, मैं आपको छोड़ दूंगा। एक बात पूछूं, ये प्रेसिडेंट बन के लगता कैसा? मतलब क्या फील आती है? फील तो बहुत ही अच्छी आती है, पर काम बहुत सारे होते हैं। आपको तो बहुत ही ज्यादा मजा आता होगा यार, मुझे भी एक बार प्रेसिडेंट बनना है। तो ये लो, हम आ चुके हैं प्रेसिडेंट हाउस पे। फटाफट से यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी रोक देता हूँ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मेरी बहुत ही ज्यादा मदद करी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए एक गिफ्ट देना चाहूंगा। मैं तुम्हें पूरे के पूरे एक हफ्ते के लिए प्रेसिडेंट बना रहा हूँ इस लॉस सेंटोस का। पूरे के पूरे लॉस सेंटोस को तुम चलाओगे, सारी की सारी प्रेसिडेंट की जिंदगी तुम जियोगे, क्योंकि तुमने मुझे बचाया। और मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे। क्या सही में मैं प्रेसिडेंट, वो भी एक हफ्ते के लिए? अरे थैंक यू, मैं तो बहुत खुशी हो गया। चलो फटाफट से अपना सूट दे दो मुझे। तो गाइस स्वागत कीजिए मिस्टर प्रेसिडेंट वरुण द गेमर का। फटाफट से जाके यार प्रेसिडेंट ओपी लिख दो कमेंट में, मैं बन चुका हूँ लॉस एंजेलिस का प्रेसिडेंट, वो भी पूरे एक हफ्ते के लिए। गार्ड्स फटाफट से मेरे घर से जाके शिनचैन को उठा लेके आओ। ओके सर, बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, अभी मैं शिनचैन को उठा के लेके आता हूँ। अभी मैं मिस्टर प्रेसिडेंट के घर पे आ चुका हूँ। चलो उस शिनचैन को उठाते, इसके ऊपर मैं धुआं धुआं कर दूंगा, इसको मैं बेहोश कर दूंगा। ये यहाँ पे बेहोश हो चुका है, फटाफट से मैं इसको उठा के अपनी गाड़ी में डालता हूँ। इसको मैंने उठा लिया, चलो इसको मिस्टर प्रेसिडेंट के पास लेके चलते हैं। एली मुझे यहाँ पे कान पकड़ के लेके आ गए। एली फेंकी भाई यहाँ पे क्या चल रहे हैं? एली मुझे पूरा बेहोश करके यहाँ पे लेके आ गए। अभी शिनचैन बेहोश करने के लिए तो नहीं बोला था, पर कोई बात नहीं, फटाफट से हेलीकॉप्टर बैठ। एली फेंकी भाई ये हेलीकॉप्टर कैसे है? अरे शिनचैन मैं तुझे पूरी स्टोरी बताता हूँ। मैं बन चुका हूँ लॉस सेंटोस का प्रेसिडेंट, वो भी पूरे एक हफ्ते के लिए। मतलब ये पूरा का पूरा लॉस सेंटोस अपना है, और मुझे बहुत ही तगड़ी चीजें भी मिली क्योंकि मैं प्रेसिडेंट बन चुका हूँ। तो मैंने तुझे दिखाना था, इसलिए मैंने बुलाया। ये देख, ये मेरा नया घर, यहाँ पे अपन रहने वाले। यहाँ पे देख तो सही कितना ज्यादा बड़ा वाला स्विमिंग पूल है। अरे फिकी भाई स्विमिंग पूल तो सही में बहुत ज्यादा बड़ा है। अरे वही तो, देख तो सही सिर्फ अपन दोनों के लिए ये स्विमिंग पूल। वैसे तो सिर्फ मेरे लिए, पर मैंने तेरे को भी बुला लिया। अरे थैंक यू फिकी भाई, मितने भी कहते हैं। अबे तेरी तारीफ नहीं करी मैंने। और मैं तेरे को गाड़ियों का भी कलेक्शन दिखाता हूं। एक मिस्टर प्रेसिडेंट की गाड़ी का कलेक्शन कितना तगड़ा कलेक्शन है, ये देखो भाई। यहां पे इतनी सारी गाड़ियां खड़ी है, मैं जो चाहे गाड़ी कभी भी चला सकता हूं। अरे फेकी भाई इतनी सारी गाड़ी है, क्यों ना मैं एक गाड़ी नन्हे को दीदी को गिफ्ट कर दूँ। अरे हाँ जो गाड़ी चाहिए गिफ्ट कर दिया, मुझे अभी काम से जाना है, तो फटाफट से जो देखो गाड़ी हो वो गिफ्ट कर दियो, मैं चलता हूँ। अरे फेकी भाई ठीक है। अरे मैं तो ये वाली गाड़ी नन्हे को दीदी को गिफ्ट करूंगा, ये गाड़ी कितनी ज्यादा खतरनाक है। चलो इसको लेके चलते फटाफट से नन्हे को दीदी के पास। नन्हे को दीदी आ रहा हूँ मैं। अरे जैसे नन्हे को दीदी इस गाड़ी को देखेगी वो तो बहुत ही खुश हो जाएगी। अरे अंकल साइड जाओ। ए बड़ू बाहर निकल रहे। अरे अंकल क्या हो गया यार, मुझे जाने दो ना, मुझे नन्हे को दीदी के घर जाने। अरे ऐसे कैसे जाने दे, इतनी बढ़िया गाड़ी चला रहे, इतना छोटा सा बच्चा है, चुपचाप खड़ा रहे इधर, वरना तेरे को भून देंगे। अरे ये गाड़ी तो बहुत ही खतरनाक है, इसको अगर बेचेंगे तो बहुत दिनों का माल आ जाएगा, मस्त पियेंगे, फुल मजे करेंगे। अरे बस बहुत मजा आएगा, चलो इस गाड़ी को बेच देते हैं। अरे ऐसे कैसे बेच देते हैं, ये नन्हे को दीदी के लिए मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, तुमको पता नहीं मैं कौन हूँ। अरे कौन है तू, कौन सी तोप है, अबे मारो इसको। अरे ऐसे कैसे मारो, अरे रुको रुको मेरी बात तो सुनो। अरे प्लीज मुझे छोड़ दो, ये नन्हे को दीदी की गाड़ी है यार, मुझे जाने दो ना यार। अरे हम नहीं जाने देंगे। अरे मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या कर लेगा, हम डरते हैं क्या? अरे हम क्या डरते हैं। अरे अच्छा नहीं डरते, तो एक फोन लगाने दो ना। अरे हाँ लगा ले, हमके डरते हैं कि किसको चाहे फोन लगा ले। अरे ठीक है अभी के भी लगाता हूँ, अब तुम रुको बस, मैंने फोन कर दिया है। अरे क्या मिलिट्री आएगी तेरे को बचाने। अरे बस अब रुको तो सरी। अरे बॉस पुलिस। अरे ये क्या पुलिस, कैसे इतनी सारी पुलिस? अरे सर कौन है आप? अरे मैं हूँ प्रेसिडेंट का छोटा भाई। अरे क्या प्रेसिडेंट का छोटा भाई? और मैं हूँ मिस्टर प्रेसिडेंट। सालो तुमने हिम्मत कैसे करी शिनचैन को पकड़ने की? ये तू भी चाटा का, और ये तू मुक्का खाएगा, ये लिखा। शिनचैन को परेशान करोगे, ये लो ये तू भी ले। शिनचैन मेरी बात सुन, अब से तेरे साथ ये पूरी की पूरी सिक्योरिटी रहेगी, तू भी हमेशा सिक्योरिटी के साथ रहेगा। यही टिकी फेंकी वे, पर मुझे नन्हे को दे दीजिए घर जाने। अरे जा जाना है जा, पर सारी सारी सिक्योरिटी तेरे साथ जाएगी, इसका ध्यान रखना।
तो गाइस यार प्रेसिडेंट तो मैं बन गया हूँ, खुद के मजे तो मैंने बहुत कर लिए, अब बारी थोड़े लोगों के मजे कराने की। तो अभी मैं आ चुका हूँ पूरी की पूरी बस लेके, यहाँ से मैं लेके जाने वाला हूँ 50-60-70 यहाँ पे बंदे रहते हैं जो कि यार बहुत ही ज्यादा गरीब है, उनको मैं लेके जाने वाला हूँ शहर के अंदर और वहां पे उनको रहने की जगह दूंगा। तो फटाफट से उतर जाता हूँ, यही रहे वो सारे जने जो कि यहाँ पे रहते हैं जिनकी आज हम मदद करने वाले हैं। तो यहाँ पे कौन भाई सब संभालता है? अरे भैया मैं संभालता हूँ। हाँ तो सर मेरी बात सुनिए, कितने जने रहते हैं वैसे यहाँ पे? अरे भैया यहाँ पे दो घर हैं, उसमें 55 बंदे रहते हैं। क्या दो घर में 55 बंदे रहते हैं? कोई बात नहीं सर, आप टेंशन मत लो, फटाफट से बस के अंदर बैठो और जो भी नहीं बैठ पाया उसके लिए एक और बस अभी आ जाएगी। तो फटाफट से बस के अंदर बैठ जाओ, मैं तुमको लेके चलता हूँ एक बहुत ही बढ़िया जगह। तो गाइस यार ये जने अभी थोड़े से बच चुके जिनको अगली बस लेने आ जाएगी, अभी इन सबको मैं लेके जा रहा हूँ मेरे साथ जहाँ पे इनकी नई जगह जहाँ पे ये रहने वाले। तो गाइस यार अभी हम शहर में आ चुके और यहाँ पे फटाफट से ले लेता हूँ, यहाँ पे जो डायमंड कैसीनो था उसको मैंने पूरा का पूरा कन्वर्ट करा के एक बहुत ही बढ़िया होटल बना दिया जहाँ पे सबके सब लोग रहने वाले और आराम से यहाँ पे 500-600 बंदे भी रह सकते हैं। और यहाँ पे बन रहा है एक स्कूल, ये स्कूल यार ये जो जने जिनको मैं लेके आया वही जने बनाएंगे और उनको उस चीज के पैसे भी मिलेंगे और यहाँ पे वो पढ़ेंगे वो भी फ्री में, उनके बच्चे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये स्कूल का काम है यहाँ पे शुरू हो चुका है, ये थोड़ा टाइम में स्कूल बन भी जाएगा। तो इस स्कूल को वही बनाएंगे, वही यहाँ पे पढ़ेंगे और उसको पैसे भी मिलेंगे और कुल मिला के उनकी जिंदगी बिल्कुल सही हो जाएगी। लगता है ट्रक आना चालू हो चुके काम करने के लिए। तो गाइस यार यहाँ पे मैंने एक रेस रखी है, जो भी इस रेस में जीतेगा उसको यार बहुत ही तगड़ा वाला प्रेसिडेंट की तरफ से प्राइज मिलने वाला है। तो यहाँ पे 8 जने मुझे मिला के, इनमें से यार जो भी जीतेगा उसको बहुत ही बढ़िया वाला प्राइज मिलेगा। तो चलो यार शुरू करते हैं, क्योंकि यार मैंने ऐसे रैंडम बंदों को उठाया 8 बंदों को और उनको बोला क्या तुम रेस करोगे, तो उन्होंने सबने हाँ बोला। तो अभी हमने रेस शुरू कर दी है, जो भी जीतेगा उसको बहुत ही तगड़ा वाला प्राइज मिलने वाला है और क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मैं तो यार कुछ भी मतलब बढ़िया सा प्राइज दे सकता हूँ। तो कुल मिलाकर यार अभी फटाफट से रेस शुरू करते हैं और अगर ये रेस मैं जीत गया तो फिर मेरे को नहीं पता मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि ये तो यार अभी थोड़ा सा पीछे चल रहे मेरे से, मैं इन सबसे आगे चल रहा हूं। कोई बात नहीं यार देखते हैं कौन जीते, फटाफट से आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस रेस में फटाफट से कमेंट कर दो। और गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और ये क्या, ये रेस तो मैं ही जीत गया, ये रेस मैंने ही रखी थी यार, मैं ही जीत गया। पर कोई बात नहीं, मैं प्रेसिडेंट हूं तो वैसे मैं इतना सारा गोल्ड एक जने को देने वाला था पर इन सब में मैंने बांट दिया, मतलब सबको गोल्डन गोल्डन की दो दो ट्रे मिली है और इनसे वो पूरी की पूरी जिंदगी आराम से चला सकते हैं। अबे शिनचैन ये सारी की सारी गाड़ियां कहां चली गई मेरी, और इसमें भी अभी दो गाड़ी क्यों बची है? एरी फिकी भी आपने तो बोला था गाड़ी गिफ्ट दे दी, तो मैंने अपने सारे दोस्तों को गाड़ी गिफ्ट दे दी। क्या सारे दोस्तों को? अबे मैंने तो नन्हे को दीदी को बोला था। एरी कैफे की भी है, एरी आपने तो बोला था गाड़ी दे दे जिसको चाहे देनी है। अबे तो सारी गाड़ी तो ना बोला था, अबे तो ये दो गाड़ी भी को छोड़ी ये भी दे देता। एरी फेंकी मैंने सोचा एक गाड़ी मैं रख लूंगा और एक गाड़ी चौप को दे दूंगा। अच्छा मेरे लिए गाड़ी छोड़ी, ये वाली गाड़ी मैं लेके जा रहा हूँ। अब ये शिनचैन क्या पागल वागल लेके यार सारी की सारी गिफ्ट में दे आया गाड़ी। चलो गाइस यार अभी तो ये वाली गाड़ी लेके मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मुझे बहुत सारे काम है। और शिनचैन तू फालतू काम मत किया कर यार, ये शिनचैन यार कुछ भी करता रहता है। एरी फेंकी भी तभी कहते ही तेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं। तो गाइस यार अभी शिनचैन ने सारी गाड़ी तो गिफ्ट कर दी, कोई बात नहीं। तो गाइस यार आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। और गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड के डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके जॉइन फॉलो भी कर लेना। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।